स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग टारगेट आईएएस के अंदर अपने करंट अफेयर्स को कवरअप कर रहे हैं, अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को लेकर ना कई एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि वो करंट अफेयर्स को कवरअप किस तरीके से करें। हम लोग इन्हीं सेशंस के अंदर अपने मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के, यानी कि मोर देन वन ईयर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मैं बात कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं विद वेरी एक्सप्लेन्ड मैनर। और ये आपके करंट अफेयर्स 70 डेज के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे, यानी कि बिफोर 2021 प्रीलिम्स आपका ये सेशन कवरअप हो जाएगा। तो ये सेशन उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जिनको करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रह रही हैं। क्लियर है ना? तो अभी तक के हमने 19 लेक्चर्स को कवरअप कर लिया है, और अगर बात करूँ मैं लेक्चर नंबर 16, 17, 18 एंड 19, ये आपके जो लेक्चर्स हैं ये आपके रह चुके हैं जून 2020 के करंट अफेयर्स के ऊपर। जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 20th, ये भी जून 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहने वाला है। स्टूडेंट्स याद रखें, क्लियर है ना? आप बस मेरे साथ बने रहें और आपको करंट अफेयर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी यहाँ पे। क्लियर है? अगर फिर भी ड्यूरिंग द सेशन कोई ऐसी न्यूज़ रहती है जिसमें आपको कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट अपना लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है ना? तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 20th भी जून 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहने वाले है। क्लियर है ना? तो सेशन शुरू करते हैं। और मैं अगर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो मायसेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम द करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर बात करें आज की सबसे पहली न्यूज की, तो हमारी सबसे पहली न्यूज रहती है फॉरेस्ट फायर्स। तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर 3 के लिए, याद रखें जनरल स्टडीज पेपर 3। और मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट आज मेरा पहला लेक्चर देख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, हम उसको डेली बेसिस पे हर एक न्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये सेशन देखने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा नए लर्नर से कि वो मेरे पहले 1 से 19 लेक्चर्स को भी देख ले, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 19 तक अभी तक हमने अप्रैल मई को कवरअप कर लिया है, और जून को हम कॉन्टिन्यूटी में रखा हुआ है, हमने जून 2020 के करंट अफेयर्स को हमने अभी कॉन्टिन्यूटी में रख रहे हैं हम लोग। क्लियर है ना? तो हम लोग आज का अपना सेशन बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं यहाँ से आज की पहली न्यूज़। अगर बात करें द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, हमने पहले भी देखा था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनवायरनमेंट एक्ट के अंडर बना है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहता है, उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, हैज डायरेक्टेड, उन्होंने डायरेक्ट किया केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टू सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1 मंथ ऑन द स्टेप्स, कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए ताकि जो जंगलों में आग लगती उनको बचाया जा सके। स्पेशली केरला डिपार्टमेंट को ही क्यों बोला, क्योंकि पूरे भारत में केरला में फॉरेस्ट में जो आग लग रही, इंसिडेंट्स हो रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो थोड़े ज्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। टू प्रिवेंट द फॉरेस्ट फायर्स एंड इम्प्लीमेंट द नेशनल एक्शन प्लान ऑन द फॉरेस्ट फायर्स इन द स्टेट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा एज पॉपुलेशन एंड डिमांड्स ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैव ग्रोन। अब कंसेप्ट देखें, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, हालांकि इंडिया पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर रहता है, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, एंड डिमांड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम डिपेंडेंट किसके ऊपर है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे, वो भी बढ़ रही है। तो लिखा क्या, द साइकिल ऑफ फायर हैज स्पन आउट ऑफ द बैलेंस। तो ये कंसेप्ट याद रखें आप लोग, यहाँ पे ये चीज ध्यान दें, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे इंसान, ह्यूमन बीइंग डिपेंड करता है फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे। अब वो फॉरेस्ट को रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए हम लोग जंगलों के अंदर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, द साइकिल ऑफ फायर हैज स्पन आउट ऑफ द बैलेंस, वो बैलेंस से ज्यादा बढ़ रहा है। यहां पर लिखा
कि फॉरेस्ट फायर हैव बिकम एन इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। अरे इस पे ग्लोबल कंसर्न तो होगा ही होगा ना। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, पहले यहाँ पे याद रखें, पिछले साल ना ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लग गई थी आग, स्टूडेंट्स ध्यान दें, जिसके कारण इंडिया के अंदर जो मॉनसून था वो डिस्टर्ब हो गया था। तो एक कंट्री के फॉरेस्ट के अंदर एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट होने के कारण दूसरे कंट्री के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तभी तो हमने यहाँ पे लिखा कि इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। इवन ये आपका CO2 भी इंक्रीज कर रहा है एटमोसफेयर में। इवन अगर फॉरेस्ट फायर इसी तरीके से बढ़ते गए तो प्रॉब्लम किस में आ जाएगी, द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, तो इशू तो रहेगा पूरे विश्व में। यहाँ पे लिखा मेनी कंट्रीज वाइल्ड फायर्स आर बर्निंग लार्जर एरियाज। अब यहाँ पे कंसेप्ट देखें, वो आग जो बहुत ज्यादा भयंकर है, तभी तो बोल दिया वाइल्ड फायर, बर्निंग लार्ज एरियाज, जंगल का ज्यादातर हिस्सा जलाकर राख कर दिया जाता है। एंड फायर सीजन्स आर ग्रोइंग लॉन्गर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ये मैं इम्पॉर्टेंट लिखूंगा कंसेप्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप लोग ये कहाँ भी यूज कर सकते हैं, मेंस में आप लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इवन सेकेंड पॉइंट लिखा कि ग्लोबली फॉरेस्ट फायर रिलीज बिलियंस ऑफ टन ऑफ CO2। मैं इसको भी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये मैं आपके लिए मेंस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स याद रखें कि पूरे विश्व में जो जंगलों में आग बढ़ रही है उनके कारण जो बिलियंस ऑफ टन ऑफ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बिलियन ऑफ टन बढ़ गई एटमोसफेयर के अंदर इंटू एटमोसफेयर। वाइल हंड्रेड ऑफ कंसेप्ट देखें, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल आर बिलीव्ड टू डाई ड्यू टू इलनेस। अरे वो कौन सी इलनेस रहेगी, वो रहेगा आपका एस्थमा, वो आप करेगा ट्यूबरक्लोसिस भी बढ़ा सकता है, ये चीजें याद रखना। अरे क्योंकि जब जंगलों में आग लगती है तो डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा प्रेजेंस रहते हैं, जिसके कारण एस्थमा और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। हालांकि भारत ने बोल रखा है कि वो 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा, बट अगर फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंस में इंक्रीज होता दिखा तो 2025 वाला जो हमारा एक अचीवमेंट है उसमें शायद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा ड्यू टू इलनेस, क्यों, क्योंकि एक्सपोजर ऑफ स्मोक फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर्स एंड अदर लैंडस्केप फायर्स। ये कंसेप्ट याद रखें, ये ध्यान में रखें, क्योंकि इससे आपका डिजीज ही बढ़ेगा। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। अरे ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट कौन से रहते हैं, जो एक तो सूखे रहेंगे और डेसीडियस जोन में रहेंगे इन द सेंट्रल एंड द सदर्न इंडिया। अब मैंने बात कर दी सेंट्रल की, तो सेंट्रल, एक मिनट भारत का, एक सेकंड रुकें आप लोग स्टूडेंट्स। यहां पे लिखा कि सेंट्रल, अरे सेंट्रल मध्य प्रदेश की बात कर रही, सदर्न की बात कर रहे हो तो तमिलनाडु आ जाएगा, मेरे पास कर्नाटका आ जाएगा, हमारे पास केरला आ जाएगा, क्लियर है ना, इवन गोवा भी आएगा हमारे पास। तो कि सदर्न फेसेस 5 to 6 months ऑफ ड्राई पीरियड, अरे ड्राई पीरियड देखने को मिलता है एंड आर वल्नरेबल टू फायर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लिखा अ मेजर रीजन, अब सबसे बड़ा कारण क्या है जंगलों में आग के एक्सीडेंट को लेकर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर, इज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, कॉमनली कॉल्ड झूम कल्टीवेशन, जिसको हम लोग झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये पढ़ा है हम लोगों ने और हमने देखा भी है कि स्टूडेंट्स झूम कल्टीवेशन सबसे ज्यादा भारत के अंदर प्रैक्टिस कहाँ पे किया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर, हम लोग जिसको जानते हैं असम, हम लोग जिसको जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, हम लोग नागालैंड को देखते हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिल रही है ना। हालांकि मेघालय को थोड़ा सा बाहर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा रहती है, तो हम लोग फॉरेस्ट फायर का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन रख सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? शैल बी प्रोसीड फर्दर, अगर देखे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा फॉरेस्ट फायर को लेकर, कहते द फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया हैव मोर फायर प्रोन। अब कंसेप्ट देखें कि भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और भारत का आपका सेंट्रल पार्ट, ये जंगलों की आग से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कहते क्लोज टू 30% फॉरेस्ट कवर इन मिजोरम,
आर अंडर एक्सट्रीमली, अरे कंसेप्ट देखें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अपने पास एक आ गई मिजोरम, और वो बोला गया आर अंडर एक्सट्रीमली फायर प्रॉन कैटेगरी के अंदर आती है, जो हाईएस्ट इन द कंट्री है। यहाँ पे मैप भी दिखाया गया, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका क्या रहता है नागालैंड, यहाँ पे आपका रहता है मणिपुर, और बिल्कुल यहाँ पे आपको मिजोरम देखने को मिल रहा है। और यही मिजोरम वाला हिस्सा जो यहाँ पे लिखा है कि एक्सट्रीमली फायर प्रॉन है, कंसेप्ट पे ध्यान दें, मिजोरम वाला हिस्सा आपका एक्सट्रीमली फायर प्रॉन हिस्सा है, तो भी तो लिखा है ना कि 30% फॉरेस्ट कवर जो मिजोरम ने कर रखा है वो एक्सट्रीमली फायर प्रॉन के अंदर आ रहा है, तो आप लोग ध्यान दें यहाँ पे, क्लियर। अरे सेंट्रल पार्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी फायर प्रॉन के अंडर आ रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा कि इंडिया, एक मिनट, अब सही है, यहां पे लिखते हैं कि इंडिया इनएक्टिव टू टैकल द फॉरेस्ट फायर, तो उसके लिए क्या आया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द फॉरेस्ट फायर्स। अब यहां पे क्या चीज है ये पढ़ते हैं एक बार, यहाँ पे लिखा नेशनल एक्शन प्लान ऑन द फॉरेस्ट फायर, जिसको बोलेंगे NAPFF, तो देखते हैं इसको भी। ये बोलते हैं कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2018, अरे इसको 2018 में शुरुआत की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था, बिल्कुल है ना, टू मिनिमाइज, अबे इसको स्टूडेंट्स क्यों लॉन्च किया, हमने जंगलों के अंदर जो फॉरेस्ट एक्सीडेंट्स होते हैं उसको कम करना है, बाय इन्फॉर्मिंग, enabling and empowering the forest fringes communities and incentivizing them to work with the state forest department. ये सही है आपको? अब second point क्या बोला गया यहाँ पे? अब वो plan बनाया गया, also intends, अब वो plan को भी intend किया गया, to substantially reduce the vulnerability of forests across diverse forest ecosystem in the country against the fire hazards. ठीक है? Third point, कहते इट एम टू एनहांस कैपेबिलिटीज ऑफ फॉरेस्ट पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशंस इन फाइटिंग फायर एंड द स्विफ्ट रिकवरी सब्सिक्वेंट टू द फायर इंसिडेंट्स। क्लियर है यहां तक? ये बेसिक्स हैं आप लोगों के। अब यहां पे मैंने डाटा थोड़ा सा एड ऑन किया था आप लोगों के लिए, आप लोग इसको प्लीज देखिए यहां पे कि फ्लेम फाइट है कि 2 years ऑफ ड्रॉट एंड नो अप्रैल शॉवर हैज मेड उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना यहां तक। इवन यहां पे लिखा गया कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या बोलती है कि हाउ टिम्बर माफिया बेनिफिट फ्रॉम अ फॉरेस्ट फायर, यहां पे फॉरेस्ट फायर के एक्सीडेंट होने के कारण जो टिम्बर माफिया उनको भी बेनिफिट हो रहा है। इवन यहां पे अगर देखा जाए देहरादून के अंदर तो आपको क्या देखने को मिला कि एरिया डैम कितना हो रहा है, 1082 फॉरेस्ट इंसिडेंट्स हो चुके भारत के अंदर, 110 से 115 लोकेशंस पे और 7 डेड और 15 हर्ट हो चुके हैं। ये चीज आप ध्यान दें, ये डाटा है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहां पे लिखा कि 2016 में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, 20,667, 2015 में 15,937 और 2014 में 13 में कितने हो रहे हैं, हालांकि ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, कहते पॉसिबल रीजन फॉर द फॉरेस्ट फायर्स, एक तो पुअर रेनफॉल, एक्सट्रीम ड्राइनेस, क्लाइमेट चेंज, दे आर ऑल्सो बीन टॉक ऑफ टिम्बर माफिया। इवन यहां पे लिखा कि फायर प्रॉन चेयर पाइन ट्रीज मेक 16% ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट, ये उत्तराखंड के लिए हमने डिस्कस किया यहां पे, क्लियर है ना। हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा कि इंडिया इनिशिएटिव, अब ये मैं सारी की सारी स्लाइड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रख रहा हूं प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से, याद रखें। यहां पे लिखा कि फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट स्कीम, वो क्या चीज है हम देखते हैं। ये लिखते हैं कि नंबर वन, द फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, जिसको FPM भी बोला गया है, वो क्या चीज है, इज द ओनली सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम, ये सेंटर की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से निवेश किया हुआ पैसा है और उन्हीं की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की है, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू असिस्ट द स्टेट्स इन डीलिंग विद द फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा कि द FPM रिप्लेस द इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम्स, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहां लिखा कि जो फंड्स हैं एलोकेट किए गए अंडर द FPM प्रोग्राम, मतलब फायर
सॉरी फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम के अंडर आर अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टेट कॉस्ट शेयरिंग फॉर्मूला। अरे कंसेप्ट देखें, सेंट्रल स्टेट कॉस्ट मतलब सेंटर 90% निवेश कर रही है तो राज्य सरकार 10% का निवेश करेगी। ऑफ सेंटर टू स्टेट फंडिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, कंसेप्ट देखें, ये था आपका फंडिंग मेथड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया के लिए। और अगर मैं बात कर लूं वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स के लिए तो वहां पे सेंटर निवेश कर रही है 60% और राज्य सरकार निवेश करेगी 40% का। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहां लिखा गया कि इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्टेट्स टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू डायरेक्ट अ पोर्शन ऑफ नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एंड मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया, जिसको जिम बोला गया, फंडिंग टुवर्ड द फॉरेस्ट फायर वर्क्स। अब स्टूडेंट थोड़ा सा डाटा यहां पे मैं एड ऑन करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एंड द मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया, इसको प्लीज थोड़ा सा आप लोग देखें यहां पे। नंबर वन मैं स्टार्ट करता हूं कि नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नंबर वन इनका बेसिकली कंसेप्ट क्या है, ये मेजर करते हैं, कहते हैं मेजर टेकन बाय इंडिया टू कर्ब डेजर्टिफिकेशन। अरे इनको लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि भारत ने वो मेजर्स को स्टार्टअप किया है, उनको मेजर किया है ताकि हम लोग कर्ब कर सके किसको, डेजर्टिफिकेशन को। तो नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंडर क्या चीज है, तो अब लिखते हैं नंबर वन, कहते इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड सिंस 2000 फॉर द एफॉरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया नेशनल फॉर एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंदर, कहते इंप्लीमेंट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। सो दिस इज योर नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। क्लियर है यहां तक? हमने नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को पढ़ा, ठीक है, जिसको नैप बोला गया। अब व्हाट डू यू मीन बाय जिम, अरे जिम क्या चीज है, तो उसको भी देखें एक बार, जस्ट अ मिनट। यहां पे लिखा मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, हरा भारत के अकॉर्डिंगली क्या मिशन है ये, इसको पढ़ते हैं एक बार। नंबर वन कहते गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो सेम मिनिस्ट्री है जिन्होंने नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, उन्होंने ही मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया को भी लॉन्च किया। सेकंड आया इनका फोकस क्या है, कहते फोकस ऑन इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड डेंसिटी एंड कंजर्विंग। अरे किसको कंजर्व करना है स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी को, याद रखें। हालांकि एक और कंसेप्ट यहां पे लिख सकते हैं ना आप लोगों ने, यहां पे एक चीज लिख दी ना कि फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है अंडर द प्रोग्राम मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो स्टूडेंट्स हर एक कंट्री में, पूरे ग्लोब में हर एक कंट्री में कितने परसेंट उसका एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, ये होना चाहिए 33% का। ये डाटा याद रखें कि भारत का 33% एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट,
हर एक कंट्री, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का हो, ऐसे कनाडा का हो, ऐसे यूएसए का हो, न्यूजीलैंड का हो, अफ्रीका का हो, साउथ अमेरिका का हो, तो ये सारे के सारे, ये तो सॉरी कॉन्टिनेंट्स बोल दिए, ब्राजील का होना चाहिए 33%, नॉर्थ अमेरिका के हर एक स्टेट का 33% एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट होना चाहिए, न्यूजीलैंड का होना चाहिए, अफ्रीका का, साउथ साउथ अफ्रीका ले लो, इजिप्ट ले लो। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व में हर एक कंट्री ये 33% वाला टारगेट अचीव कर ले। क्लियर है यहां तक? हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है जल जीवन मिशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर टू एंड जीएस पेपर थ्री के लिए, जनरल स्टडीज पेपर टू और जनरल स्टडीज पेपर थ्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए स्टूडेंट्स। तो देखते हैं यहां पे लिखा, द जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द लेबरर्स रिटर्निंग टू देयर होम स्टेट्स ड्यू टू कोविड-19 विल बी डिप्लॉयड फॉर द जल जीवन मिशन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं इसको पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, याद रखें। क्लियर? यहां पे लिखा द जल जीवन मिशन, इसका एम क्या है? एम है ताकि पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द रूरल हाउसहोल्ड्स बाय द 2024। अरे हर एक रूरल हाउसहोल्ड के घर में ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइपलाइन लग जाए, ये मिशन है, ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है जल जीवन मिशन का। अब स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द रूरल हाउसहोल्ड्स बाय द 2024? तो इसके लिए थोड़ा सा डाटा आप यहीं पे ऐड ऑन कर लो। कहते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हैज रिसेंटली सेड दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पाइप्ड वॉटर टू एवरी हाउस होल्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स बाय 2024। याद रखें ये चीज। अरे हमने इसको, एक तो ये पर्पस हो गया और दूसरा पर्पस इसको अचीव करना है ताकि जो बीमारियां हैं ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, जो भारत में 21% डिजीज हमें ड्रिंकिंग वाटर को देखने को मिलता है, वो कम हो जाए। क्योंकि आपका रूरल हाउसहोल्ड्स के अंदर पाइपलाइन ना होने के कारण जो आपका पानी, पीने वाला पानी है, वो क्या होता है, वो पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसके कारण भारत में 21% डिजीज हो रखा है। हम लोग उसको भी अचीव कर लें, उसको भी कम करना है हमें। क्लियर? यहां लिखा द जल शक्ति मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। बिल्कुल ठीक है। ये लिखते हैं द जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड वेरियस स्टेट्स। तो ये मंत्रालय ने कई भारत के राज्यों को आदेश दिए, डायरेक्शंस दिखाई हैं, दैट रिटर्निंग लेबर, जो आपके पास लेबर रिटर्न कर रही है, माइग्रेटरी लेबर आप बोल सकते हो, जो कोविड 19 के कारण हो चुका है, स्पेशली दोज वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं एंड सेमी स्किल्ड हैं, मे बी डिप्लॉयड, तो उनको भी आप लोग यहां पे डिप्लॉय कर सकते हो टू एक्सपीडिएट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क अंडर द स्कीम। तो इनको एक तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, याद रखें ये कंसेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे लिखा द मिशन इज बीइंग यूज्ड। अब ये जो आपका मिशन है ये यूज किया जा सकता है एज अ वे टू एम्यूलोरेट सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द मास माइग्रेशन ऑफ द इंटर स्टेट वर्कर्स बैक टू द होम स्टेट्स। अरे जो वापस आ रहे हैं वो माइग्रेटरी लेबर, उनको रोजगार मिलेगा इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो आप लोगों के लिए प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव और इवन मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे मेंस में हम लोग ले सकते हैं गवर्नेंस का क्या रोल था, यहाँ पे गवर्नेंस आ रही है आपकी, और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल प्ले कर गया कि कोविड-19 में कौन से मंत्रालय ने एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया था, तो वो था आपका जल शक्ति मिनिस्ट्री, और कौन सी स्कीम थी, वो थी हमारी जल जीवन मिशन। क्लियर है? आगे चलते हैं। ह्यूज डिमांड थी काम के लिए, कहते इट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वर्कर्स रिटर्निंग टू देयर होम्स स्टेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक है। यहां लिखा इट इज क्लियर, अब ये साफ हो चुका था, फैक्ट था, दैट
एलोकेशन जो मनरेगा स्कीम के अंदर है हैव ऑलरेडी बीन हाइक्ड बाय 40,000 करोड़ ओवर एंड अबव 60,000 करोड़ ऑलरेडी एलोकेटेड. तो मनरेगा के अंदर 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका था और अब उससे भी ऊपर 60,000 करोड़ का भी निवेश हो चुका है. मतलब कौन सी स्कीम? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर. ये डेली वेजेस पे चलती है, याद रखें. क्लियर? हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था, मनरेगा के ऊपर भी. तो लिखा, व्हाइल मनरेगा इज एन ओल्ड प्रोग्राम द जल जीवन मिशन आल्सो हैज फंड्स. ठीक है, ये आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पॉइंट. आपको यहां लिखा, रीवैलिडेशन एक्सरसाइज ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड स्टेटस ऑफ टैप वाटर फाउंड दैट आउट ऑफ 19.0 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री. ये डाटा आपके पास आ गया कि 19.04 करोड़ जो रूरल लोग हैं भारत के अंदर देखते हैं, उनमें से 3.23 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैड टैप वाटर कनेक्शन. तो बाकी 15.81 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैव टू बी प्रोवाइडेड फंक्शनल टैप कनेक्शंस. ये मैं आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं डाटा इंपॉर्टेंट रखूंगा यहां पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रियल टाइम डाटा आप लोगों के लिए आया है यहां पे. स्टूडेंट्स याद रखें, अगर आप लोग ये रियल टाइम डाटा अपने मेंस एग्जाम में लिखते हो ना, तो आपका जो पेपर है वो डिफरेंट रहेगा. आपके जो लर्नर्स हैं, आप जो पैरेलल आपके कंपटीटर्स हैं, ये चीज ध्यान में रखें. आगे बढ़ते हैं. यहां पे लिखा, अपार्ट फ्रॉम द 11,000 करोड़, अब बजट में 11,000 करोड़ का जो पैसा रखा गया था उसमें से 12,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फ्रॉम द एक्स्ट्रा बजटरी अलाउंस. तो 12,000 करोड़ को अलग से हमने एलोकेट किया, जिसको बोला गया एक्स्ट्रा बजटरी अलाउंस. एंड 50% ऑफ 60,750 करोड़ एलोकेटेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन. ये इंपॉर्टेंट है डाटा, अगेन इंपॉर्टेंट कि 15th फाइनेंस कमीशन ने भी एलोकेट किया पैसा कितना, 60,750 करोड़ फॉर द रूरल लोकल बॉडीज इज टाइड टू ग्रांट फॉर द वाटर बॉडीज एंड द सैनिटेशन. याद रखें ये डाटा. चलें आगे बढ़ते हैं. यहां लिखा कि जो स्किल मैपिंग है बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैज शोन, तो वो क्या दिखाते हैं, दैट मेजॉरिटी ऑफ इंटर स्टेट वर्कर्स रिटर्निंग होम आर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन सेक्टर. बिल्कुल ठीक है. यूपी में 16 लाख आउट ऑफ 18 लाख माइग्रेट लेबर्स मैप्ड टिल नाउ आर फ्रॉम द सेक्टर. मतलब अगर यूपी में 18 लाख आपके माइग्रेटरी लेबर्स हैं, उनमें से 16 लाख लेबर्स आपके किस सेक्टर में से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में से हैं, और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेंगे. तो तभी तो लिखा फंडिंग पैटर्न क्या है कि अंडर द स्कीम यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेशन आर 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. कहते वो यूटीज जिसके अंदर लेजिस्लेचर नहीं है वो 100% सेंटर फंड करेगा. अब मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की, तो जहां पे आपको लेजिस्लेचर देखने को मिल रहा है तो वहां पे 90:10 होगा. कैसे? कहते हिमालयन स्टेट्स यूटीज विद लेजिस्लेचर, मतलब 90% आपका सेंटर फंड करेगा और 10% आपका स्टेट या फिर यूटी का लेजिस्लेचर आपको फंड करेगा, इस स्कीम के अंदर निवेश करेगा. और अगर मैं बात कर लूं भारत के राज्यों की, तो वहां पे 50-50 है कि 50% आपका सेंटर फंड करेगा और 50% आपको भारत के बाकी राज्य फंड करेंगे. कहते एडिशनल फंड्स इज आल्सो अवेलेबल फॉर द स्टेट्स दैट शो गुड फिजिकल एंड द फाइनेंशियल प्रोग्रेस. क्लियर है यहां तक? हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहां लिखा द स्टेट्स हैज एश्योर्ड फंडिंग ऑफ 3,382 crores under the Jal Jeevan Mission, which would be utilized in providing employment in the rural areas to the returning migrants. मैं फिर से इसको डाटा इंपॉर्टेंट लिख दूंगा यहाँ पे. याद रखें ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, क्योंकि COVID-19 में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो जल जीवन मिशन ने काफी ज्यादा हेल्प की थी. क्लियर है? बढ़े आगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है कि जल जीवन मिशन है क्या चीज. कहते जल जीवन मिशन
एनवीसीएच सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन, तो यहाँ पे एक रेशो लग लिख दी फिक्स रेशो कि 55 लीटर पानी एक पर्सन के लिए एक दिन में मिलेगा, कि 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, और कौन सा, थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ये कंसेप्ट प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। अरे किसके थ्रू था? थ्रू था फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, जिसको बोला गया FHTC बाय 2024। क्लियर है डाटा यहां तक? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आगे लिखते हैं कि जल जीवन मिशन फोकस करेगा इंटीग्रेट, मतलब बढ़ेगा, इंटीग्रेशन मतलब बढ़ रहा है, छोटा छोटा करके बढ़ रहा है, डिमांड्स बढ़ रही हैं, सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल। क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है, कहते द मिशन इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी अप्रोच टू द वाटर, इंक्लूड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड द कम्युनिकेशन एज अ की कंपोनेंट ऑफ दिस मिशन। तो कंसेप्ट देखें, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन को एक ही कंपोनेंट बोल दिया जल जीवन मिशन के लिए, तो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। यह लिखा कि जल जीवन मिशन लुक्स टू क्रिएट अ जन आंदोलन फॉर द वाटर, देयर बाय मेकिंग इट्स एवरीवन प्रायोरिटी। तो ये सभी की प्रायोरिटी रहेगी ना, क्योंकि विदाउट वाटर नो वन कैन सर्वाइव। तभी तो लिखा ना कि जन आंदोलन। नेक्स्ट आता है फंडिंग पैटर्न, देख लिया हमने, वैसे फिर से देख लेते हैं। हालांकि यही फंडिंग पैटर्न जो मैंने यहाँ पे आपकी न्यूज कटिंग में लगाई थी ना, ये न्यूज कटिंग के अंदर भी मेंशन है, तो यहाँ पे न्यूज में मेंशन हो रहा है। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया कि अगर हम लोग बात करें, अब सुने, हिमालयन स्टेट्स की या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की, उसके अंदर इन राज्यों के अंदर फंडिंग पैटर्न रहेगा 90:10 का, 90% funded by the center और 10% funded by the state, clear है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज की बात करूं, वो भारत के अंदर यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर हमें लेजिस्लेचर देखने को नहीं मिला, वो 100% फंड किया जाएगा बाय द सेंटर, बिल्कुल ठीक है। अब एक और चीज देखेगी यहाँ पे कि अदर स्टेट्स में, भारत के अदर राज्यों में 50-50% की फंडिंग हो रही है, मतलब 50% इज फंडेड बाय सेंटर एंड 50% इज फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। क्लियर है? तो ये आपका फंडिंग पैटर्न है। तो अभी तक का टोटल एलोकेशन इस स्कीम के अंदर, जल जीवन मिशन स्कीम के अंदर कितना हो चुका है? 3 लाख करोड़ का। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आप लोग बस मेरे साथ बने रहे, करंट अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम लोग हर एक न्यूज को काफी डिटेल स्टडी कर रहे हैं। हालांकि मैंने एक कमेंट भी देखा है अपने सेशंस के अंदर, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पर सेशन के अंदर हम थोड़ा सा अपना जो कवरेज ऑफ न्यूज है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। तो स्टूडेंट्स मैं उसके ऊपर भी फोकस कर रहा हूं, क्योंकि जो भी आपकी न्यूज रहती है ज्यादा से ज्यादा मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, बट फिर भी हर एक न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाना पड़ता है, इसीलिए हमारा थोड़ा सा जो नंबर ऑफ न्यूज कवरेज है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बट आई एम मेकिंग यू श्योर कि उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूं, ताकि आपकी डेली बेसिस पे जो नंबर ऑफ न्यूज कवरेज है वो बढ़ जाए। क्लियर है? हम आगे चलते हैं। अब जल जीवन मिशन है, यहां पर लिखा हर घर जल, जल जीवन मिशन। तो क्या है? कहते द जल जीवन मिशन इज वर्किंग ऑन द नेशनल गोल, और कितना, कब तक? 2023-24 तक। अब भारत सरकार के ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 19.09 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैं जिनके अंदर 3.23 करोड़ हैड टैप कनेक्शन ऑन अगस्त 15 2019 तक लग चुकी है। द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री विद फंक्शनल टैप्स हैज नाउ गोन अप टू 5.72 करोड़। अब 3.23 से 5.72 करोड़ हाउस रूरल हाउसहोल्ड्स के घर में आपको पाइप टैप वाटर देखने को मिल रहा है, लग चुका है। अब लिखा ऑन अक्टूबर 2 अ कैंपेन वाज आल्सो लॉन्च्ड टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू ऑल द आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड स्कूल्स इन द कंट्री विद द 100 डेज। अरे कंसेप्ट याद रखें, कैंपेन को लॉन्च कब किया गया था? 2 अक्टूबर को। ये बढ़ते हैं आगे, व्हाट डू यू मीन बाय आंगनवाड़ी सेंटर, हम उसके ऊपर भी आज के आज ही डिस्कस कर लेंगे, आई मेक यू श्योर। चलते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री, लिखा
द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड, अब भारत सरकार ने ये मंत्रालय बनाया जल शक्ति, एक नया मंत्रालय था आफ्टर मर्जिंग, अरे क्या मर्ज किया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रीजेनोवेशन अलोंग विद द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तब ये सारे के सारे मंत्रालय मिलाकर हमने एक नया मंत्रालय बना दिया जल शक्ति मिनिस्ट्री। और वो कौन कौन से मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रीजुवेनेशन अलोंग विद द ड्रिंकिंग वाटर एंड द सैनिटेशन, याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लिखिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इवन लिखा कि जल शक्ति मिनिस्ट्री विल एकम्पास इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इंटरनेशनल एंड द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटरनेशनल और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी अब जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। टू नमामि गंगा प्रोजेक्ट एम्ड एट क्लीनिंग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, की गंगा को साफ करना है, उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी साफ करना है, सहायक नदी को भी साफ करना है, तो ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आ गया, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आ गया एंड सब ट्रिब्यूटरीज के अंदर। अब यहाँ पे लिखा ना कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो अपनी कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर में तमिलनाडु कर्नाटका केरला के जी तीनों राज्यों में काफी डिस्प्यूट है, तो अब ये भी डिस्प्यूट कौन देख रहा है, जल शक्ति मिनिस्ट्री देख रही है। आगे लिखा द मिनिस्ट्री विल रोल आउट गवर्नमेंट्स एम्बिशियस प्लान, अब ये मंत्रालय भारत सरकार का एम्बिशियस है और क्या प्लान बनाता है, नल से जल स्कीम अंडर जल जीवन प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखें जल से नल स्कीम किसके अंडर आती है, जल से नल स्कीम कम्स अंडर द जल जीवन प्लान, और ये जल जीवन प्लान कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आ गया, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आ गया ना, टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर कनेक्शंस टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया बाय 2024। अरे ये डाटा आप लोगों के लिए माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, आपके इसी तरह के तो क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछेगा आपको, ये डाटा आपका प्रीलिम्स से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है आज की कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द जीएस पेपर टू एंड जीएस पेपर थ्री के लिए। बढ़ते हैं आगे और करते हैं, देखते हैं यहां पे क्या है, यहां लिखा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड किया भारत सरकार ने कि हमने एक स्कीम को लॉन्च करना है, किसके लिए, याद रखें रूरल पब्लिक वर्क के लिए, रूरल पब्लिक वर्क के लिए हमने स्कीम लॉन्च की, और वो स्कीम कौन सी है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, मैं इसको अभी प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। अरे थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमने लॉन्च किया था फ्रॉम द विलेज, कहां से, तेलीहार इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन 20th June 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तेलीहार इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और क्या स्कीम लॉन्च की, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, किसके लिए, रूरल पब्लिक वर्क्स के लिए। यहां लिखा अब ये स्कीम क्या करती है, एम्पावर एंड प्रोवाइड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू रिटर्निंग माइग्रेंट्स वर्कर्स एंड रूरल सिटीजन्स हु हैव रिटर्न्ड टू देयर होम स्टेट्स ड्यू टू द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव प्रीलिम्स से। एक तो अभी हमने जल जीवन मिनिस्ट्री के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई थी जल जीवन मिशन, उसके तहत भी हमने ये लॉन्च किया कि जो माइग्रेटरी वर्कर्स आपके घर वापस आ रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन, हम उनको भी डिप्लॉय करें। ऊपर से भारत सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च की, कौन सी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो ये भी कोविड-19 माइग्रेटरी लेबर्स के लिए लॉन्च किया गया था ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा हमारे लिए। अब ये डाटा की ड्यूरेशन और आउटले क्या चीजें पढ़ें, कहते दिस कैंपेन विल वर्क इन मिशन मोड ऑफ 125 डेज, 125 दिन के लिए ये मिशन मोड पे है, विद एन आउटले ऑफ कितना पैसा यहां पे निवेश किया भारत सरकार ने, 50,000 crores का। अब ये कितना एरिया कवर कर रहा है कि भारत का कौन कौन से राज्य को, कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर अप कर रहा है वो देखते हैं, कहते अ टोटल ऑफ 116 डिस्ट्रिक्ट को कवर अप किया, 116 डिस्ट्रिक्ट को, जिलों को कवर अप किया, जिसके अंदर 6 राज्य आ गए, वो कौन कौन से थे, बिहार, यूपी,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा। अरे यहाँ पे हमने इन्हीं भारत के 6 राज्यों को क्यों कवरअप किया? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो आपके मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स ध्यान दें, वो इन्हीं राज्यों से है। हमने अपने पिछले वाले न्यूज में, इसी सेशन के पिछले न्यूज जल जीवन मिशन में चीज पढ़ी कि यूपी के अंदर अगर हमारे पास 18 लाख लेबर्स हैं, वो 18 लाख लेबर में से 16 लाख लेबर तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर से निर्भर करती है। तो आप देख लें, यूपी में ही अगर आपके पास एक एक अनुमान था 18 लाख माइग्रेटरी लेबर्स हैं, तभी तो इन 6 राज्यों के, भारत के 6 राज्यों को हमने कवर अप किया स्कीम के अंदर की, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड ओडिशा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स हैव रिटर्न्ड फ्रॉम दीस स्टेट्स ऑफ इंडिया, हैव बीन चूजन फॉर द कैंपेन। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? आगे बढ़े, देखिए फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये लीजिए आगे आता है, इट विल इन्वॉल्व इंटेंसिफाइड एंड द फोकस इंप्लीमेंटेशन ऑफ 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इवन यहां पे लिखा टू माइग्रेंट वर्कर्स वन हैंड एंड क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज। ठीक है, यहां पे लिखा कि द वर्कर विल हेल्प बिल्ड ग्राम पंचायत भवन। अब जो वर्कर्स हैं वो ग्राम पंचायत भवन बनाने में भी हेल्प करेंगे, एंड द आंगनवाड़ी सेंटर्स, नेशनल हाईवे वर्क्स, रेलवे वर्क्स, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, वो जल जीवन मिशन में देख लिया, अमंग अदर अक्रॉस 6 स्टेट्स। क्लियर है? इवन यहां पे लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय आंगनवाड़ी सेंटर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहते आंगनवाड़ी सेंटर्स और डे केयर सेंटर्स, इसको बोला गया डे केयर सेंटर्स, मैं ये लिख रहा हूं आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए, आर सेटअप अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंदर। क्लियर है? अब ये क्या है, ICDS स्कीम है आपकी फॉर द आंगनवाड़ी, और किसके, कौन से मंत्रालय के अंदर आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आ गई आपका ये। ठीक है, बड़े आगे और देख लेते हैं इसी के लिए, आंगनवाड़ी के लिए, जस्ट अ मिनट। अगर बात करें यहां पे, जस्ट अ मिनट, आंगनवाड़ी के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, बनाने का मुद्दा क्या था, एम टू रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टलिटी एंड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहां पे लिखा 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, वो कौन कौन सी हैं, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एनवायरमेंट, रेलवे विल बी कोऑर्डिनेटिंग फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो भारत के कई मंत्रालयों ने भी हेल्प किया था ये रोजगार मिशन को चलाने में। कहते द विलेज विल ज्वाइन दिस प्रोग्राम थ्रू, अब विलेज वाले, रूरल एरिया वाले लोग इस स्कीम के अंदर किस तरीके से जुड़ सकते हैं, थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड कृषि विज्ञान केंद्र, मेंटेनिंग द नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग इन द वेक ऑफ पैंडमिक। क्लियर है ये चीज आप लोगों के लिए? अब बात आती है यहां पे कि व्हाट डू यू मीन बाय कृषि विज्ञान केंद्र। बस एक मिनट के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको ये भी दिखाता हूं। व्हाट डू मीन बाय कॉमन सर्विस सेंटर? कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स आर स्ट्रेटेजिकली कॉर्नर स्टोन्स ऑफ नेप, मतलब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ये देखिए एक कॉर्नर स्टोन रखा गया था, कहते अप्रूव किया गया था मई 2016 में टू इंट्रोड्यूस, क्यों, ई गवर्नेंस को लेकर आना है ना, ऑन द मैसिव स्केल अंडर द नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अगेन इंपॉर्टेंट डाटा फॉर द प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव। यहां लिखा टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड द कॉस्ट इफेक्टिव वीडियोस
वॉइस एंड डाटा कंटेंट सर्विस इन एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस, बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन में, हेल्थ में, टेलीमेडिसिन में, एंटरटेनमेंट एज वेल एज द अदर प्राइवेट सेक्टर्स में। यहाँ पे लिखा हाईलाइट ऑन द कॉमन सर्विस सेंटर्स इज दैट इट ऑफर वेब एनेबल ई गवर्नेंस सर्विस इन द रूरल एरियाज। मैं ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि कॉमन सर्विस सेंटर का मेन मेन अचीवमेंट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि ये ऑफर करेगा वेब एनेबल ई गवर्नेंस सर्विस रूरल एरियाज में, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, सर्टिफिकेट्स, यूटिलिटी पेमेंट सच एज इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड द वाटर बिल्स। क्लियर है यहां तक? चले आगे। नेक्स्ट आता है कृषि विज्ञान केंद्र। अब ये क्या चीज है, कहते इट इज एन इंटेग्रल पार्ट। ये इंटेग्रल पार्ट है किसका? नास का। वो क्या चीज है? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम इन द वर्ल्ड। मैं ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। यहां पे भारत को बोल दिया सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम इन द वर्ल्ड। कहते सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1974 में एट पुडुचेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा ये आप लोगों के लिए प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखें, 2021 को लेकर इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा ये वाला। यहां पे लिखा जो आपका केवी के स्कीम है जिसको बोला गया कृषि विज्ञान केंद्र, ये 100% फाइनेंस किया जाता है भारत सरकार की तरफ से। फंड्स आर सैंक्शन टू द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को भी दिया जाता है ये फंड, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क करते हैं खेती के ऊपर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs, वो NGOs जो खेती के ऊपर काम करते हैं। कहते दीज आर क्रूशियल टू फुलफिलिंग द टारगेट ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय द 2022, कि 2022 तक इतना काम किया जाए ताकि किसान की जो आमदन है वो बढ़ जाए 2022 तक। एंड दिस इज योर कृषि विज्ञान केंद्र। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? फिर भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है कंट्री ऑफ ओरिजिन मेड मैंडेटरी ऑन द जेम्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द GS पेपर 3 के लिए। यहां पे देखते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट शुरू किया है, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल है। अब कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया बेचने वालों के लिए, सेलर्स के लिए, टू एंटर द कंट्री ऑफ ओरिजिन वाइल रजिस्टरिंग ऑल न्यू प्रोडक्ट्स ऑन द जेम। ठीक है, अब ये जेम हैज टेकन दिस सिग्निफिकेंट स्टेप। अब ये जेम ने ऐसा क्यों किया? एक कदम और आगे बढ़ाया ताकि हम लोग भारत का मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर भारत को भी हम लोग आगे बढ़ा सके। मतलब आत्मनिर्भर भारत, हमने एक चीज पढ़ ली थी इसके अंदर, सेल्फ रिलायंट, वो कंसेप्ट फिर से आ गया कि हम खुद से डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, सॉरी इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जिसके अंदर हमने बोल दिया था कि हमने इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तभी तो हमने जेम को भी लेकर आए हैं। ये एक पिलर्स हैं किसके? आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के प्रमोट करने के लिए। यहां पे लिखा इंडिकेशन ऑफ लोकल कंटेंट, कि जेम हैज एनेबल अ प्रोविजन फॉर द इंडिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ लोकल कंटेंट इन द प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ठीक है। अब नाउ द कंट्री ऑफ ओरिजिन एज वेल एज लोकल कंटेंट परसेंटेज आर विजिबल इन द मार्केट प्लेस फॉर ऑल द आइटम्स। क्लियर? मेक इन इंडिया फिल्टर, दिस न्यू फिल्टर has been enabled on the portal so that buyers can choose to buy only those products that meet the minimum 50% local content criteria. Again, prelims perspective से important है, ये आपका prelims perspective से important रहेगा। ये चीजें आप लोग note करके रखें students। बढ़ते हैं आगे, यहाँ लिखा promotion of make in India, कहते since its inception GEM has continuously worked toward the promotion of make in India, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लिखा एंट्री ऑफ स्मॉल लोकल सेलर्स, यहाँ पे लिखते हैं द मार्केट प्लेस हैज फैसिलिटेटेड
जो मार्केट प्लेस है उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की है किसकी, ताकि वो एंट्री हो सके स्मॉल लोकल सेलर्स की इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स व्हाइल इंप्लीमेंटिंग, क्या इंप्लीमेंट करना था, मेक इन इंडिया एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस परचेज प्रेफरेंस पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इन द ट्रू सेंस। ये आपका डाटा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरीके का डाटा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होना चाहिए एंड द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। जो हमने लिखा ना कि गवर्नमेंट ई मार्केटिंग शुरू किया भारत सरकार ने, इज एनेबलिंग क्विक एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट एंड द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, स्पेशली कब, जब सरकार आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अर्जेंटली टू फाइट अगेंस्ट कोविड 19 पेंडेमिक। प्रमोशन, अब अगर प्रमोशन की बात की मेक इन इंडिया की, वो देख लिया। अब आत्मनिर्भर भारत के लिए इन्होंने कैसे प्रमोशन किया और उसका कैसे पिलर बनते हैं ये लोग, कहते गवर्नमेंट ई मार्केटिंग हैज बीन प्रमोटिंग द आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया इन द वेक ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक, मेंट टू एनकरेज सेल्फ रिलायंस एंड बूस्ट स्मॉल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। अब कंसेप्ट देखिए, बूस्ट किया किसको, वो छोटे छोटे भारत के मैन्युफैक्चरर्स को। अरे इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तभी तो बूस्ट करेंगे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को जो भारत के अंदर है। क्लियर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या चीज, पढ़ते हैं। कहते जेम इज अ वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है टू फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, बिल्कुल ठीक है, ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द वेरियस सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स। क्लियर, ये चीज आपके लिए समझ आ गई, ये एम था किसका, जेम का, ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। अभी कौन से मंत्रालय के अंदर आता है और कब इसको लॉन्च किया गया, 2017 में इसको लॉन्च किया गया। क्यों, ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है और एफिशिएंसी लेकर आनी किसके अंदर, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंदर, इन द गवर्नमेंट बाइंग प्रोसेस एंड ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज। ये हमने पहले भी देखा था अपने सेशंस में, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, ये रहा आपका आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया और किसके अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, यहां पे हो गया ना, फिर आगे आया, ये बोलते हैं द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द मिनिस्ट्रीज एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज मैंडेटरी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन द जेम। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड टूल्स। अब ये एक टूल भी है किसका, ई बिडिंग का, इलेक्ट्रॉनिक बिड भी लगा सकते हैं, रिवर्स ई ऑक्शंस भी कर सकते हैं, बिड भी लगाई जा सकती है, ऑक्शंस भी किए जा सकते हैं, द गवर्नमेंट यूजर्स अचीव द बेस्ट वैल्यू ऑफ देयर मनी। अरे अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग लगाते हो, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन लगाते हो, तो ट्रांसपेरेंसी अपने आप अचीव हो जाएगा ना, टारगेट अपना, जो हमने इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव रखा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंदर। अब आज की बात करें, प्रेजेंट की, जेम हैज मोर देन 15 लाख प्रोडक्ट्स, अराउंड 20,000 सर्विसेज एंड मोर देन 40,000 गवर्नमेंट बायर्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये भी डाटा आपके सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक, शैल वी मूव फर्दर। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 यूनेस्को की तरफ से आई है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द जीएस पेपर 2 के लिए। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ये है क्या, कहते द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 रिलीज हुई थी बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग यूनेस्को भी बोलते हैं। कहते इट हाइलाइटेड दैट कोविड 19 हैड वर्सन द इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो यूनेस्को ने दिखाया है अपने रिपोर्ट में इन इक्वेलिटी होते हुए किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर पूरे विश्व में, और क्यों हुई ये इन इक्वेलिटीज, ड्यू टू द कोविड 19। क्लियर, कहते ड्यूरिंग द हाइट ऑफ स्कूल क्लोजर्स इन अप्रैल 2020, अब स्कूल बंद हो चुके थे अप्रैल 2020 में, ऑलमोस्ट 91% ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड वर आउट ऑफ स्कूल्स, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है यहां तक,
आगे बोलते हैं अबाउट 40% ऑफ लो एंड द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज. अब कंसेप्ट देखें, और लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैव नॉट सपोर्टेड लर्नर्स एट रिस्क ऑफ एक्सक्लूसिव ड्यूरिंग दिस क्राइसिस. बिल्कुल ठीक है, एक्सक्लूसिव आई एम सॉरी ड्यूरिंग दिस क्राइसिस सच एज द पुअर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड द लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज. ये उनका दिखाया गया इक्वलिटी क्यों आई है ये वाले पैरा में आपके सेकेंड लाइन में. नेक्स्ट आया है कि पुअर कंट्रीज ऑप्टेड फॉर रेडियो एंड द टेलीविजन लेजेंड्स. अब जो पुअर कंट्रीज है उन्होंने अडॉप्ट किया कि क्यों ना रेडियो पे टेलीविजन पे पढ़ाया जा सके. 55% ऑफ द लो इनकम, 73% ऑफ द लोअर मिडिल इनकम एंड 93% ऑफ द अपर मिडिल इनकम कंट्रीज अडॉप्टेड फॉर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एजुकेशन. क्लियर, ये डाटा दिखाया गया कि कितने परसेंट ने टीवी के ऊपर सेशन लेसन लगाने शुरू किए, रेडियो के ऊपर शुरू किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया पूरे वर्ल्ड वाइड में. यूनेस्को की तरफ से दिखाया गया डाटा ये कहते हैं 17% ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर प्लानिंग. अब इन्होंने प्लान किया टू रिक्रूट मोर टीचर्स, 22% ऑफ इंक्रीज क्लास टाइम एंड 68% टू इंट्रोड्यूस रेमेडियल क्लासेस व्हेन स्कूल्स रीओपन टू कॉम्बैट द सिचुएशंस. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक. नेक्स्ट आया कि गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी. अब गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रही थी बट डिजिटल डिवाइड लिमिट्स. क्यों? नॉट ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर्स हैव एक्सेस टू एडिक्वेट इंटरनेट कनेक्शन. अब ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट के पास और हर एक टीचर के पास इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड होगा. इक्विपमेंट्स होंगे, स्किल्स होंगे एंड द वर्किंग कंडीशंस टू टेक एडवांटेज. यहां पे लिखा कि स्कूल क्लोजर इंटरप्ट सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर द वेरियस डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज फॉर द ब्लाइंड डेफ एंड डम स्टूडेंट्स मे नॉट बी अवेलेबल आउटसाइड द स्कूल. बिल्कुल ठीक है. Poor students who depend on school for the fee meals, even free sanitary napkins have suffered. बिल्कुल ठीक. Cancellation of examinations in many countries, include India, may result in scoring depend on teacher's judgment of student instead, which could be affected by the stereotypes of certain types of students. Correct है ये concept भी. हमने देखा भी है ये चीज को तो. Higher dropout rates are also concerned because during an earlier Ebola epidemic in Africa, हमने इससे पहले भी जो अफ्रीका के अंदर epidemic हो गया था due to the outbreak of Ebola, many older girls never returned to schools once the crisis was over. Clear? हालांकि पुरानी लड़कियां कभी स्कूल वापस गई ही नहीं जब क्राइस ओवर हो चुका था. वो क्राइस जब Ebola के outbreak के कारण हो गया था. ये चीज बोली गई है. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंक्रीज फंडिंग फॉर द पंचायत. और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के लिए. इसको भी पढ़ते हैं. अब मीटिंग होती है 15th फाइनेंस कमीशन की. द पंचायती राज मिनिस्ट्री हैज पिच्ड फॉर द 5-fold इंक्रीज इन फंडिंग. अरे 5 गुना बढ़ गया किसका फंड में पंचायत के लिए, फॉर द रूरल लोकल बॉडीज के लिए. Ministry asked for the 10 lakh crores to be allocated for 2010-21 to 2025-26 period in comparison to the 2 lakh crores allocated under the 14th Finance Commission. अरे 14th Finance Commission में 2 lakh crore सिर्फ हमने रखा था, हालांकि 15th Finance Commission ने 10 lakh crore रुपए allocate कर दिया पंचायत को. Clear? Allocation has tripled between 13th and 14th Commission. And the utilization rate for the finance commission grants between 15 से 19 stands at 78%. मैं ये तीनों के तीनों points आपके very important mark करता हूँ prelims perspective से. हालांकि ये पूरा slide ही important है कि 2.63 lakh panchayat पूरे भारत में है. Across the country have 29 functions under their ambit according to the 11th schedule of the constitution. During COVID-19 पंचायत गेन इंपॉर्टेंस, पंचायत ने इंपॉर्टेंस गेन की है. क्यों? क्योंकि रैन आइसोलेशन सेंटर चलाए, मेडिकल कैंप्स एंड द कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पंचायत की तरफ से ही की गई थी रूरल एरियाज में. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक. बढ़ते हैं आगे. हाउएवर अ मेजर चैलेंज ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन वॉज मोस्ट पंचायत
could not provide cooked food at the short notice. बिल्कुल ठीक है. The ministry has proposed to set up community kitchens को भी मंत्रालय ने बोल दिया क्यों ना सेटअप किया जाए हर एक पंचायत के अंदर, operated by the self help groups. क्लियर? यहाँ पे लिखा अब रोल क्या है पंचायत का, बिकम इंपॉर्टेंट क्यों? गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो रिसेंटली हमने आज के सेशन में पढ़ा है विल ऑल्सो डिपेंड ऑन देम टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द न्यूली रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा. आप देखें एक न्यूज दूसरे न्यूज से कैसे कोरिलेट हो रही है स्टूडेंट्स. क्लियर है ना? बढ़ते हैं आगे. फाइनेंस कमीशन क्या चीज है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो मेथड डिटरमाइन और फॉर्मूला करेगी डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. क्लियर? ये आती है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एट एन इंटरवल ऑफ 5 years. अब फर्स्ट फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया था 1951 में. ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा. 15th फाइनेंस कमीशन जिसने फंडिंग को इंक्रीज कर दिया 10 लाख करोड़ रुपए तक, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 27 नवंबर 2015 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब 15th फाइनेंस कमीशन जिसने फंडिंग फॉर द पंचायत को इंक्रीज किया वो हेडेड बाय द एनके सिंह. क्लियर है यहां तक? लिखा इन नवंबर 2019 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द 15th फाइनेंस कमीशन टू सबमिट इट्स फर्स्ट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट फिस्कल ईयर 2021 एंड एक्सटेंड इट्स टेन्योर. इसको बढ़ा भी दिया. कहते फाइनल रिपोर्ट कवरिंग फाइनेंशियल ईयर्स कौन से हैं? 21 से 22 से लेकर 25 से 26 ईयर तक बाय द 30th अक्टूबर 2020. क्लियर है स्टूडेंट्स? So, आज का सेशन में यहीं तक रोकता हूं. आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखें ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको हेल्प कर सकूं आपके डाउट्स को लेकर. और मैं आशा करूंगा कि आज का सेशन भी आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.